कोलारस जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कमरुआ के सरपंच सचिव रोजगार सहायक ने सरकारी योजनाओं की राशि की फर्जी बिल वाउचर लगाकर ठिकाने लगाया है। ग्राम पंचायत ने स्टेशनरी सामग्री के नाम पर वर्ष 2015 से अभी तक 21,600 रुपए खर्च किया। अन्य सामग्री के नाम पर वर्ष 2015 से अभी तक 1,41,732 रुपए खर्च किए। इसी तरह इंटरनेट रिचार्ज के नाम पर वर्ष 2015 से अभी तक 13,900 रुपए खर्च किया और हैंडपंप संधारण के नाम पर वर्ष 2015 से अभी तक 60,330 रुपए खर्च किए। और वहीं सार्वजनिक स्थलों का समतलीकरण मोरम आदि से कार्य के नाम पर वर्ष 2015 से अभी तक 99,200 रुपए खर्च किए समेत ग्राम सभा में चाय नाश्ता मिठाई आदि के नाम पर वर्ष 2015 से अभी तक 9,600 रुपए खर्च किए। सीमेंट लोहा खरीद में भी बिना जीएसटी के बिल ग्राम पंचायत कमरुआ सहित कई पंचायतों में केंद्र सरकार की योजनाओं, राज्य सरकार की योजनाओं, राज्य सरकार की समाज कल्याण की योजनाओं, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर सांसद निधि, विधायक निधि, अन्य शासकीय विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं, जिला पंचायत से विभिन्न योजनाओं व जनपद पंचायत की विभिन्न योजनाओं के तहत निर्माण कार्य कराए जाते हैं। योजनाओं के तहत सीसी रोड, पक्की नाली, स्कूल भवन, छात्रावास, लाइब्रेरी, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, शासकीय भवन, प्रशिक्षण केंद्र भवन व अन्य संरचनाओं के निर्माण कराए जाते हैं। इनके लिए खरीदे गए सीमेंट, लोहा व अन्य सामग्री के बिल लगाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बिल जीएसटी के बिना ही लगाए और पास किए जा रहे हैं। बदरवास से दिनेश यादव की रिपोर्ट। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, मैं राजधानी तक न्यूज चैनल से दिनेश यादव बात कर रहा हूँ। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, आप भाजपा कार्यकर्ता बिशन सिंह धाकड़ जी बात कर रहे हैं कुमरुआ से? हाँ जी सर। हाँ जी सर। जी जी, आपके यहाँ जो रोजगार सहायक ने जो किया है, हाँ जी, भ्रष्टाचार इस मामले में आप क्या कहेंगे? सर मैं तो खुद आज एक साल हो गया उससे जूझते हुए। जी जी, एक साल से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ और भाजपा की सरकार होते हुए जी जी मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को इतनी परेशानी आ रही है, तो मैं बाकायदे समझता हूँ कि भाजपा सरकार में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो इसका सवाल सीएम से भी मांगना चाहता हूँ। विधायक जी ने तो मुझे जवाब दे दिया, वो तो उनके भ्रष्टाचार के साथ में ही है। जी जी, मतलब रोजगार सहायक के भ्रष्टाचार के साथ में विधायक जी? हाँ, विधायक जी के आदमी है ना, आदमी है उनके। राम सड़ैया बिल्कुल खुल के सपोर्ट दे रहा है उसको, रोजगार सहायक को। हाँ, क्योंकि उसको 30 लाख की रोड डलवाई है। रोजगार सहायक हेमंत प्रजापति को मतलब खुलेआम मतलब सहयोगी को बन रहे हैं? सहयोगी नहीं बन रहे, मेरे लिए चैलेंज भी दिया है विधायक जी ने कि मैं तेरी FIR करा दूंगा, और कुछ लोगों से ये भी बोला कि बसंत को गोली मार दो। जी 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 जी, मतलब किसने बोला ऐसा? ये पूरा षड्यंत्र सहायक रोजगार का, यहाँ तक कि सहायक रोजगार का पूरा परिवार 25 लोग जी, और मैं और मेरी पत्नी जी, हम घर पर त्योहार मना रहे, उसका जी, पूरा जी, परिवार हमें मारने तक का हमारे घर में घुस के पीट के गया है, और थाने पे इसका रिकॉर्ड है, बाकी कोई आज तक कोई चांस नहीं हुआ, बस बैठे हैं साहब। जी 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 जी, तो आपके अभी तक कोई FIR वगैरह हुई इस मामले में? नहीं हुई अभी तक। FIR की बात करते हैं, वो तो पैसे के, थाना तो पैसे का भाई साहब। जी 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 जी, थाना तो पैसे का भाई साहब, थाने में पैसा भर दिया उसने, क्रॉस केस कर दिया, खत्म खेल। जबकि मैं तो मैं और मेरी बीवी दोनों घर में त्योहार मना रहे थे, हमको आके पीटा है इसने। अच्छा 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 अच्छा, रोजगार सहायक ने काय के लिए पीटा है? जी, कि मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत भाजपा कार्यकर्ता काम करते हुए यहाँ पर कुछ काम कर रहा था मैं। जी जी, मैं काम कर रहा था यहाँ पे जी, एक तालाब का। मैं चलो ठीक है, अपन जब अपनी शासन है तो अपन काम ही करेंगे। सही है सही है, काम करेंगे तो कुछ दो पैसा भी आएगा। जी जी जी, और इस रोजगार सहायक से ही बोला, भैया थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर दो। जी जी, लेकिन नहीं, इसने मुझे चोर बनाया, बोला तूने 5 लाख रुपए खा लिए जी, और मेरे पास बिल है भाई साहब, मैंने इसको माल दिया है बिल्कुल, मेरे पास GST और जहाँ से मैंने जिस मित्तल भाई साहब से जो माल लिया था उसका ही मेरे पास रिटर्न भरा हुआ है। जी जी, उसका मेरे पास इसने दोष लगाया 5 लाख रुपए का भाई साहब, मैं मेरी जायदाद बेचकर 2-5 लाख रुपए, और मेरे जो तालाब 8 लाख का है उसका भी खा लिया 8 लाख पूरा। जी जी, और पूरा तो कहने का मतलब ये है, पूरी पंचायत में भ्रष्टाचार है साहब, कोई कुछ नहीं कहता उससे। जी जी, मतलब कारण क्या, मतलब ऐसा क्या कारण बन रहा है जिससे उससे मतलब कोई भी ग्रामीण मतलब उससे कुछ नहीं कह पा रहा है? नहीं भाई साहब, कहाँ से कहेगा,
उसके तार जुड़े हुए हैं एक ही जगह, अच्छा एक एक जगह उसके तार जुड़े हुए हैं भाई साहब। हम जैसे जो साधारण कार्यकर्ता हैं केवल बस पार्टी के लिए हाजू हुजूरू करने जरूर पहुंच जाते हैं, बाकी हमारे मिलना जुलना कुछ नहीं, हमारे लिए तो केवल जूता ही मिल रहा है और बदनामी मिल रही है। अरे अरे मर, मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा इस चीज को लेके, मैं सीएम तक भी पहुंच रहा हूँ आजकल मैं। जी 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 अच्छा तो मतलब मतलब इन्होंने अधिकतम सीमा तक मतलब कहाँ तक मतलब इन्होंने भ्रष्टाचार किया रोजगार सहायक में, मतलब पंचायत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, 52 योजना इसके पास, 52 योजनाओं में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा इसने भ्रष्टाचार ना किया हो। अच्छा 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 मतलब अभी हमें आप सीबीआई जांच करवा लीजिए। अच्छा 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 मैं मतलब हमें सूत्रों के मुताबिक ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई है वहाँ इसने कुछ हितग्राहियों से कुछ कुटीरों के नाम पे भी इसने प्रधानमंत्री आवास जो होता है उसके नाम से भी इसने उगाही की है उसमें, उस मामले में सच्चाई है या नहीं है? अब सच्चाई क्या भाई साहब, जब 250 विधायक को बुलवाया था मैंने, विधायक जी को, जी तो जी 251 कुटियों का हमने यहाँ पर नाम जाहिर किया था, 251 कुटी, जी लेकिन इसमें 251 कुटी में से मुश्किल से 50 कुटी भी मूल्यांकन नहीं किया है। और जी मूल्यांकन किसका किया है जी जिसने इसको 10,000, 20,000, 25,000 दिए हैं। जी हाँ बिल्कुल, हितग्राही दे रहा है, हितग्राही दे रहा है, क्या करे बेचारा। उसकी अब मैं मजबूरी उसको बोला भाई साहब पैसे नहीं दूंगा तो पूरी काम नहीं है करेगा। कारण जी हाँ, क्योंकि वो क्या है चक्कर लगा रहा होगा बार बार बार, शिकायत भी कर रहा होगा, उसकी शिकायत की कोई सुनवाई ही नहीं हो रही होगी। अरे शिकायत भाई साहब मेरे पास, इसमें एक चीज और है भाई साहब, इसमें एक इंक्लूड और कर दो अब, जी 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 इसमें इंजीनियर है दीपचंद, इंजीनियर दीपचंद कुशवाहा, जी ये पूरा इसका पूरा श्रेय जाता है ना, ये जी पूरा श्रेय जाता है इस भ्रष्टाचार का इस इंजीनियर के ऊपर। अच्छा अच्छा हाँ मतलब इसको मैंने 1 साल से 181 कितनी लगा दी भाई साहब, मैं तो अब क्या है कि आप लोग पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी होना कुछ नहीं है जी मेरे हिसाब से, होना कुछ नहीं है क्योंकि वो लोगों के पास पैसा है, जी जी पैसा है। मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ, वो पैसा है, पैसे से सब खरीदा होता है जी जी और नेताओं के लिए जाते हैं। आज आज राजी जी आ रही हैं तो मैंने कल 3-4 नेताओं से मिला जी इसके बारे में, मैंने बोला ऐसा अपन राजी को बता दें, तो जी वही जी चीज जी हुई, बोला जी कुमार को तुम पीटो, जी जी मुझे बोला गया कुमार को तुम पीटो। अच्छा मतलब किसने किसने कहा है सर? हमारे भाजपा नेताओं ने, अच्छा हाँ जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जाके ये 12 सरिया अंदर जाना चाहिए बसंत। अच्छा आपका मतलब आपको मतलब जेल के अंदर पहुंचाना चाह रहे हैं ऐसा ऐसा? अरे भाई साहब मैं जब सहायक रोजगार को पीटूंगा तो उसके पास तो पैसा रखा है भाई साहब, जब वो मुझे पीट गया मेरी पत्नी को और मुझको, उसका पूरा परिवार मार के गया है, जी और जी आपके जी मैं चड्डी में अकेला, केवल चड्डी में अकेला पूरे कॉलर्स में घूम रहा हूँ, कोई नेता कोई अधिकारी बोल जाए मेरे का कोई नहीं बोलने आया। बिल्कुल 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 तो मैं तो भाई साहब ऐसी चीज को कह रहा हूँ कि आप अगर इस चीज को पूछ रहे हो इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, बाकी मेरे स्तर से तो मैं 1 साल से लड़ रहा हूँ यहाँ पर, कोई नहीं है, सब आते हैं खाते हैं पैसे चले जाते हैं, ईमानदार कोई नहीं है साहब। जी 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 तो अभी तक जितने अपन ने समाचार लगाए वो सारे सत्य लगे हैं मतलब इसका कारण? अरे आपने जो आपने अभी तक जो समाचार लगाए उनमें कहीं से कहीं कोई सिस्टम नहीं है, पूरा सिस्टम फर्जीवाड़ा है, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। जी 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 बिल्कुल तो A to Z जितने भी बिल लगाए इन्होंने 2 नंबर के बिल लगाए। जी 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 इन्होंने तो और इनका सबसे बड़ा काम है भ्रष्टाचार ही करना, जी जी इसके सिवा कुछ नहीं करना। अच्छा बिशन जी एक एक बात और पूछना चाहूंगा कि मतलब एक बात और है आपकी ग्राम पंचायत में, जैसे कि मान लो मजदूर के लिए भुगतान हुआ है तो अधिकतर क्या जो फेनो बैंक में जो गया है भुगतान उस मामले में आप क्या कहेंगे? आप भाई साहब मैं और क्या कहूँ आपसे, मैंने कल ही आपको एक हमारे जो गांव के व्यक्ति हैं सादा सिंपल बिल्कुल सीधे व्यक्ति जी, उनकी इसने खुद वो उससे घर पे था नहीं, जी जी उसकी मेड़ पे इसने GCB चलवा दी, थोड़ी सी माटी इकट्ठी कर दी, जी जी आज से 1 साल पहले, जी अब 1 साल पहले की बात है, तो 1 साल पहले GCB चालू करवाई तो उसको पता चला आगे शादी में आके तो उसने हल्ला वगैरह किया कुछ कहा होगा जी, बंद हो गया साहब जी जी लेकिन अंदर की बात है तो मैं जानता हूँ साहब जी, आज भी उस पर पैसा निकाला लेकिन वहां पर काम नहीं चल रहा है। अरे तो मतलब क्या उनका खेत तालाब था, खेत तालाब उन्होंने मतलब इसने GCB से बनवा कर और पैसा आज भी निकल रहा है ऐसा, मजदूरों का कोई काम नहीं हो रहा वहाँ? मजदूरों की बात करते हैं, उस मजदूर के जिसके खाते में पता चल रहा है ना, उस मजदूर का ना तो उसको ये पता कि मेरा जी खाता लगा है, उसको ना तो ये पता मेरा मेरे खाते में जो पेमेंट आ रहा है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, मतलब कहीं से कहीं तक कोई जानकारी नहीं है, वो सीधा सिस्टम है सहायक रोजगारी है पूरा बॉस। अब मैं आपको क्या कहूँ साहब, जी 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 जी
तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बसंत जी। मैं आपके लिए फिर आपसे इसमें कभी जरूरत पड़ेगी तो आपसे फिर बातचीत करूंगा। नहीं, बातचीत के लिए भाई साहब बिल्कुल, आप आपके लिए मैं क्या, देखो मैं तो जी जी मैं तो आज बिल्कुल मरा हुआ बैठा हूँ। जी मैं तो, जी जी मैं तो देखो एक शिवराज सिंह और आस बने हैं शिवराज सिंह जी के पास, और इस चीज को लेके जाऊंगा। जी बाकी फिर मेरे लिए कोई आस नहीं बची। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद।